झारखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल फूक चुका है और हर एक पार्टी और गठबंधन अपने अपने तरीकों से चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। आजसू पार्टी भी चुल्हा प्रमुख के जरिए संगठन को सशक्त बनाने में लगी हुई है। बोकारो के चंदन क्यारी में आज आजसू का चुल्हा प्रमुख सभा का कार्यक्रम आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में आजसू पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो झारखंड सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने मंच से बोलते हुए कहा कि झारखंड में विधानसभा चुनाव बस कुछ ही दिन बचा हुआ है, ऐसे में झारखंड सरकार में शामिल जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के द्वारा 2019 के विधानसभा चुनाव में किए गए वादे को अब तक पूरी नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा कि अब जब चुनाव सर पर है तो राज्य सरकार महिलाओं को 1,000 रुपया चूल्हा खर्चा के रूप में देने की बात कह रही है। उन्होंने कहा सरकार को जो चुनाव जीतने के बाद करना चाहिए वो अभी कर रही है। उन्होंने कहा कि ये चूल्हा खर्चा नहीं बल्कि चुनाव खर्चा है। उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आजकल एक प्रचलन चला हुआ है। बोकारो से विजय आनंद की रिपोर्ट। सरकार का जो कार्यकाल है, सरकार का अंतिम दर्शन चल रहा है, अब अंतिम दर्शन सरकार का कर सकते हैं। ये राज्य में पहला ऐसा सरकार जो इतना गैर जवाबदेह और जिन्होंने अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता का एक भी पालन नहीं किया है। राज्य के अंदर इन्होंने और राज्य की तरक्की को बहुत पीछे धकेल दिया है। आम लोगों के जिंदगी में अंधकार आया है। ये स्थिति आज राज्य सरकार की देन है। प्रदेश के सारे विकास के मायनों को आप देख सकते हैं और उसके आंकड़े हम लोग ले के सामने आएंगे। आप कुछ कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए, ठीक है ना। एक मजबूती के साथ पूरे प्रदेश में काम कर रही है। 100 दिन का पार्टी का कार्यक्रम चल रहा है और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हमारा कार्यक्रम विधानसभा वार चल रहा है। राजनीति वाले 65 दिन चुनाव की तैयारी में रखते हैं, लेकिन 5 साल बाद जो जलसा आने वाला, उत्सव आने वाला, इसकी तैयारी में है। उमाकांत रजक का चंदन कैरी से चुनाव लड़ना तय है। तय करेगी उमाकांत रजक पार्टी के निर्देश गुरुओं के समस्याओं के लिए संघर्ष कर रहा है, लड़ रहा है, लोगों से संपर्क बना रहा है। सांगठनिक स्ट्रक्चर को मजबूती के लिए यहाँ चंदन कैरी में मकान दर्जे काम कर रहा है। तैयारी कर रहे हैं आपकी पूरी तैयारी? मेरी पार्टी पूरे 81 विधानसभा में चुल्हा प्रमुख शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम कर रही है और आज का जो कार्यक्रम था सुदेश जी उसी कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए आए थे और चुल्हा प्रमुखों को निर्देश देने आए थे कि आप अपने चुल्हा प्रमुख जो हमारा स्तंभ है, पिलर मेंबर है, उस पिलर मेंबर को एक ताकत देने के लिए सुदेश जी चंदन कैरी। पिछले 10 साल से जो चंदन कैरी की जनता ने भोगा है, मतलब सदन में उमाकांत जी की गैर मौजूदगी में कितना दर्द दिया है चंदन कैरी की जनता को, पिछले 10 साल का दर्द क्या है? ये आप चंदन कैरी के सुदूर गांव के आम आदमी से आप ये बात पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि चंदन कैरी 10 साल चंदन कैरी की जनता की आवाज़ है कि चंदन कैरी 10 साल पीछे चला गया है। तो अब आप लोग आगे लाने के लिए क्या करेंगे? मतलब हम लाइन से अलग हट के भी आम जनता के साथ हैं और जनता के साथ हम संघर्ष कर रहे हैं कि चंदन कैरी हमारा पीछे ना जाए, आगे बढ़े, आगे बढ़ कर रहे। तो मतलब इस बार गठबंधन में इस बात की बहुत चर्चा होगी जोर से? ये गठबंधन का बात करने का दायित्व मेरे केंद्रीय अध्यक्ष जी को है, वो अपने गठबंधन की चर्चाएं वहाँ गठबंधन के और पार्टी के सहयोगी के साथ करेंगे। मतलब फ्रेंडली भी आप लोग आएंगे? ये सारी बातें हमारे केंद्रीय अध्यक्ष करेंगे।